तो हम डिफरेंट टाइप की सिमिलैरिटी के बेस पर ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो अब क्या है, इन ऑर्डर टू मेक रेलेवेंट ग्रुप्स टू स्टडी द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमें क्या है कि हमें ग्रुप बनाने हैं, तो जो रेलेवेंट ग्रुप बने यानी जो ग्रुप है अच्छे से बने, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले डिसाइड करना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिसाइड करती हैं फंडामेंटल डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो उन्हें जो है फंडामेंटल डिफरेंस यानी जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उन्हें डिसाइड पहले करना है, हमें उन कैरेक्टर्स को यानी उन लक्षणों को पहले डिसाइड करना है। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या होगा, ब्रॉड ग्रुप यानी बड़ा बड़ा ग्रुप, ब्रॉड करना बड़ा ग्रुप, तो बड़ा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। विद इन दीज ग्रुप्स स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाई लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस बड़े ग्रुप के अंदर छोटे छोटे सब ग्रुप्स भी हम डिसाइड कर सकते हैं, और उनमें क्या होंगे कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहले हम बड़े बड़े डिफरेंसेस लेंगे या सिमिलैरिटीज लेंगे, उसके बाद फिर छोटे सिमिलैरिटीज, उससे छोटे सिमिलैरिटीज के हिसाब से सब ग्रुप्स बनाते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, तो हम क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो आंसर ये है कि इतनी ज्यादा टाइप के एनिमल्स हैं कि हम एक सबको एक एक करके नहीं देख सकते, तो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा उन्हें, तभी हम उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म अराउंड यू। तो इसके एग्जाम्पल दीजिए। एक एग्जाम्पल तो यही था कि जैसे कि माइक्रो और साइज में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके व्हेल जैसा, तो इस टाइप से और एग्जाम्पल्स भी आप देंगे, इसमें तीन एग्जाम्पल देंगे लाइफ फॉर्म्स के, तो इसमें वेरिएशंस होने चाहिए। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब ये आया कि क्या रीजन होना चाहिए जिसके हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे यानी उनकी क्लास या ग्रुप बनाएंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप में रखना, क्लासिफिकेशन का क्या होता है मतलब ग्रुप में रखना। जैसे अगर हम अपनी क्लास में देखें तो क्लास में हम किस चीज के बेस पे ग्रुप बना सकते हैं, देखिए हम मान लीजिए स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम एक ग्रुप बना सकते हैं बॉयज का ग्रुप, और दूसरा ग्रुप किसका हो गया, गर्ल्स का ग्रुप हो गया, ठीक है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर भी सब ग्रुप बना सकते हैं। सब ग्रुप कैसे बना सकते हैं, बॉयज जो क्रिकेट खेलते हैं और जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, गर्ल्स जो क्रिकेट नहीं खेलती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम और भी कुछ रख सकते हैं, बॉयज जिनके स्टडी में लेटर से 50 से ज्यादा नंबर है, मोर देन 50 नंबर है, और बॉयज जिनके स्टडी में लेस देन 50 नंबर है, ऐसी गर्ल्स में जिन गर्ल्स के 50 से ज्यादा नंबर है और जिन गर्ल्स के 50 से कम नंबर है। तो ऐसे करके हम ग्रुप्स बना सकते हैं अपनी क्लास में भी। तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या बन सकता है, बॉयज और गर्ल्स का डिफ्रेंशिएट करके। फिर हम उनके अंदर सब ग्रुप्स बना सकते हैं कि बॉयज जो क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज जो क्रिकेट नहीं खेलते, बॉयज जिनके 50 से ज्यादा नंबर है या 50 से कम नंबर है। सेम चीज हम गर्ल्स के साथ भी कर सकते हैं, तो इस टाइप से ग्रुप्स हम बना सकते हैं। अटेम्प्ट एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप हैव बीन मेड सिंस द टाइम इमेमोरियल। तो यानी ये इमेमोरियल का मतलब ऐसा टाइम जो याद भी ना हो, इतना पुराना हो चुकी है चीजें कि जो हम सोच भी नहीं सके। तो जो क्लासिफिकेशन है, ग्रुप बनाने का काम है लिविंग चीजों को, ये तब से हो रहा है जब से हम याद भी नहीं कर सकते, बहुत पहले से हो सकता है, बहुत पहले से हो रहा है। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन। तो जो ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने क्या करा, उन्होंने जो है एनिमल्स को क्लासिफाइड करा। क्लासिफिकेशन का वर्ड लास्ट बार बोल रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग। तो क्लासिफाइड करा, क्लास बना देना उनकी, ग्रुप बना देना, तो क्लासिफाइड करा ऑन वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड। तो किसके बेस पे उन्होंने, एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया कि क्या एनिमल लैंड पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं या एयर में रहते हैं। तो इसके बेस पे एरिस्टोटल ने उनको क्लासिफाई करा। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। तो पहली चीज तो यही है लाइफ को देखने की, कि कौन से एनिमल्स हैं,
जो पानी में रहते हैं, कौन से जो एयर में रहते हैं और कौन से जो लैंड पे रहते हैं। बट मिसलीडिंग टू, तो ये बहुत सिंपल भी है और मिसलीडिंग भी है, क्योंकि ये गलत भी है, मिसलीडिंग है। अभी देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल्स, एनिमल्स दैट लिव इन द सी इंक्लूड कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क्स। तो जो एनिमल्स हैं जो सी में रहते हैं वो क्या होते, उसमें क्या क्या है, कोरल है, वेल्स हैं, ऑक्टोपसेस हैं, स्टारफिश हैं और शार्क्स हैं। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमरस वेज। तो जैसे कि स्टारफिश है, शार्क है, कोरल, वेल और ऑक्टोपस, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट हैबिटेट इज द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। तो केवल हैबिटेट यानी रहने की जगह ही ऐसी है जहाँ जो इनके बीच में कॉमन है, और इसके अलावा उनका कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। तो ये एक ग्रुप बनाने का एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनके रहने की जगह तो बस ठीक है, एक जैसी हो गई, बट लेकिन बाकी सब चीजें इनमें क्या है, डिफरेंट है। तो ये अप्रोप्रिएट वे नहीं है ग्रुप बनाने का, और उनका उन ऑर्गेनिज्म का जिनके बारे में हम पढ़ना और स्टडी करना चाहते हैं। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज एज द बेसिस फॉर मेकिंग ब्रॉडेस्ट डिवीजन। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड करनी है जिससे हमारा ब्रॉडेस्ट डिवीजन्स, तो हमारे जो है बड़े से बड़े ग्रुप्स बन पाए। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ेंगे, लक्षण पकड़ेंगे फॉर मेकिंग सब ग्रुप्स। किस चीज के लिए, सब ग्रुप्स बनाने के लिए विद इन दीज डिवीजन्स। तो जैसे अभी हमने क्लास में करा, तो सबसे बड़ा डिवीजन क्या हो रहा था, बॉयज एंड गर्ल्स का। बॉयज एंड गर्ल्स के बाद क्या होता है, हम उनके और कैरेक्टर्स देखने लगते हैं कि क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, इनके मार्क्स कैसे हैं, किस चीज में इंटरेस्ट है। तो इसके बेस पे हम डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बना सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। तो ये जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है ये चलती जा सकती है, ये चल सकती है ईच ग्रुप। तो ये क्या है कि हर ग्रुप में ये चलती रह सकती है, और इसमें हम हर बार नए कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हैं, कि और कुछ ऐड कर दिया कि इसको जो है सिंगिंग पसंद है या नहीं है, तो ऐसे करके हम जितनी चाहे उतनी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ऐड कर सकते हैं। बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट वॉट इज मेंट बाई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमने ये सोचना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके बेस पे हम, जिसके आधार पे हम उसमें डिफरेंस करने वाले हैं। वेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी नीड टू फाइंड वेज इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर इनफ टू बी थॉट टू टूगेदर। तो पहले हमें कुछ ऐसी चीजें सोचनी पड़ेंगी, अगर हम जब ग्रुप बनाने जा रहे हैं तो पहले हमें क्या सोचना पड़ेगा, फाइंड वे, सोचना पड़ेगा सम ऑफ देम आर सिमिलर इनफ, तो जिसमें वो क्या है जो एक जैसी है, टू बी थॉट ऑफ टुगेदर, जो कि जिनको एक साथ रखा जा सके। तो सबसे पहले हम क्या चीज करेंगे, ऐसे लक्षण सोचेंगे कि जिनको एक साथ रखने में हमें हेल्प मिले। दीज वेज इनफैक्ट आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर इन अदर वर्ड्स फॉर्म एंड फंक्शंस। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, दीज वेज, तो ये क्या क्या तरीके आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस। तो एक तो डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर है, इन अदर वर्ड्स, तो या तो अपीयरेंस की डिटेल्स के हिसाब से कर दें या बिहेवियर के हिसाब से कर दें, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि उनकी फॉर्म के हिसाब से डिसाइड करें हम, या फंक्शन के हिसाब से। फॉर्म का मतलब कि ये सारे के सारे एनिमल्स एक जैसे दिखते हैं और ये सारे के सारे एनिमल्स एक जैसा वर्क करते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है कि टाइगर, लायन और डियर, तीनों के 4 लेग्स हैं। तो लेग्स तो 4 है, बट डियर क्या खाता है, डियर घास खाता है, जबकि लायन क्या खाता है, डियर को खाता है। तो फॉर्म तो लगभग एक जैसी है, फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करने से पहले सोचना पड़ेगा, वॉट वी मीन बाई अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट ए पर्टिकुलर फीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है, अ पर्टिकुलर फीचर और अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो एक खास तरीके का फीचर, जैसे कि इनके सबके 4 पैर हैं, या कोई खास फंक्शन।
दैट मोस्ट ऑफ अस हैव फाइव फिंगर्स ऑन ईच हैंड इज दस अ कैरेक्टरिस्टिक। तो इंसानों की सबकी क्या होना, पांच उंगलियां होना एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्योंकि ज्यादातर लोगों की पांच ही उंगली होती है, कुछ रेयर केसेस में पांच से ज्यादा छह उंगली भी होती है, लेकिन ज्यादातर की पांच उंगलियां होती है हर हाथ पर। देन वी कैन रन बट द बैनियन ट्री कैन नॉट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि हम तो दौड़ सकते हैं, बट क्या बरगद का पेड़ बैनियन ट्री दौड़ सकता है? नहीं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस किस टाइप से हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर सकते हैं।